साथ भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो मैंने लिया था ना धूप होल्डर, अब इसमें क्या हो रहा है ना, जब 7-8 दिन लगातार मैंने इसको जलाया था ना, उसके बाद मैंने क्या देखा कि जलाने के बाद आप जब नेक्स्ट टाइम इसको उठाने का कोशिश करते हो ना, तो ये चिपक जाता है। देखो अभी तो फिर भी कम चिपका हुआ है, पर ये बहुत ज्यादा चिपक जाता है। तो अंदर का जो इसका ये पेंट है ना, ये धूप की वजह से ना हल्का हल्का सा मेल्ट हो गया है, और मेल्ट होने से देखिए यहाँ पे चिपकता रहता है, ये वाला ब्लैक पोर्शन और ये वाला मिलके चिपक जाता है, और बहुत दिक्कत होता है इसको ऐसे उठाने में। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वाले सेट के साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हुआ है मुझे बताइए। वाइट काउंटर टॉप को मेंटेन करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप एक भी दिन क्लीनिंग नहीं करोगे ना, नेक्स्ट सुबह उठोगे आप, सबसे पहले ध्यान आपका जाएगा आपके स्टोव पे, किचन पे, और पूरा मूड खराब होगा। कल मैं बहुत थक गई थी, एक पहले तो वीडियो एडिटिंग किया उसमें बहुत टाइम लगा, फिर एक शूटिंग खत्म किया, फिर उसको भी एडिट किया, ब्रांड को भेजना था, तो वो सब करते 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 जो मेरी हालत खराब हो गई। और मैंने तो ठान के रखा है कि जिम नहीं छोड़ना है, तो अंगद तो कह रहा था कल के छोड़ो जिम मत जाओ, ऑलरेडी थक गई हो। मैंने कहा काम तो रोज रहेगा ही, इसी चक्कर में फिर अगर मैं एक दिन जिम छोड़ूंगी ना तो फिर ये रोज का एक बहाना हो जाएगा मेरे खुद के अंदर कि कोई नहीं मैं आज मैनेज कर लेते आज मैनेज कर लेते। वो बहाना ढूंढने का समय नहीं देना है अपने आप को। मजाक बनाते हैं ना, जब भी घर आते हैं ना अंगद को बोलते रहते हैं, और कितना टाइम लगाती है आपकी बीवी घर को चमचमाने में, 4-5 घंटे तो लगाती होगी, ऐसे बहुत मजाक बनाते हैं वो लोग। पर मुझे ना नहीं अच्छा लगता अगर घर साफ ना हो, और एक्चुअली अगर आप देखो ना हैबिट अगर आप बना लो, एक रूटीन बना लो, तो बहुत टाइम भी नहीं लगता है ऐसे साफ करने में। स्लैब और ये सबको ना मुझे मैक्सिमम 15 मिनट लगा होगा, वो भी अगर शूट ना करो तो और जल्दी हो जाता है, पर जो रिजल्ट आता है ना वो कितना अच्छा लगता है दिखने में। मैं तो चाहूंगी कि ऐसे ही क्लीन रहे, अच्छा रहे, अंदर आते ही स्माइल आए, और फिर जो खाना बनाइए वो टेस्टी बनता है क्योंकि आप दिल से बनाते हो, खुश होकर बनाते हो। चलिए दिल से खुश होकर बनाया जाए आज का लंच, तो फटाफट आती हूँ शार लेके फिर बनाती हूँ। क्या बनेगा चलिए देखा जाए। तो सब्जी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाऊंगी। तो लौकी है मुझे यहाँ सामने ही दिख रही है, बड़ी सी लौकी, सोच रही हूँ सिंपल सा दाल में ही लौकी और क्या डाल के बना दूं, नहीं अलग से बना देती हूँ। चलिए लौकी दाल और राइस ऐसा बना लेते हैं सिंपल। और देखिए मैं इसको अब लौकी बोलने लगी हूँ, वरना हमारे लैंग्वेज में इसको कद्दू बोला जाता है। तो YouTube में जितनी बार भी मैंने इसे कद्दू बोलती थी लोग कंफ्यूज होते थे, क्योंकि कद्दू बोलते हैं लोग पम्पकिन को, इसको बोलते हैं लौकी। तो देखिए अब मैंने भी लौकी बोलने की आदत डाल ली है। तो हाँ, तो सोच रही हूँ लौकी की सब्जी बना लेती हूँ, एकदम फ्रेश फ्रेश है। और लौकी फ्रेश है कि नहीं ये पता चलता है अगर आप ऐसे फिंगर डालोगे ना इसमें, नेल्स डालोगे और एकदम तुरंत आपका नेल्स अंदर चला जाए, मतलब ये एकदम ही फ्रेश है। तो इसके बीज भी छोटे छोटे होंगे, अगर ये थोड़ा पुराना हो जाता है ना फिर आप खरीदते हो तो बीज बहुत बड़े बड़े आते हैं, वो नहीं अच्छा लगता, वो गलता ही नहीं है कितना भी आप उसको कुक कर लो। तो अभी फ्रिज खोला ही है तो ध्यान गया है कि चलिए इसी बहाने इसको वाइप भी कर लेते हैं, अलग से टाइम निकले जरूरी नहीं है, तो जब याद आए तब भी फटाफट कर लेना चाहिए, 2 मिनट लगता है और ये चकाचक हो जाएगा।
जब घर लेने का टाइम था ना, उस टाइम पे अलग अलग हम लोग लेआउट्स देखते रहते थे, अलग अलग बिल्डर के पास जाते थे, तो मैं देखती थी कि किचन का साइज क्या है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। किचन में ज्यादा समय भी आपको बिताना है, अप्लायंसेस भी सारे फिट करने हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास जो फ्रिज था ना, वो डबल फ्रिज था, ये साइड बाय साइड नहीं था। तो मुझे था मन में कि मैं लूंगी ही साइड बाय साइड। अब कब लूंगी उस टाइम पे उतना पता नहीं था, शिफ्ट करते वक्त ही अगर सब सही रहा तो उस टाइम पे ले लेंगे, या ना बाद में तो लेना ही लेना है। तो एटलीस्ट आपके किचन में स्पेस तो होना चाहिए कि बाद में आप चेंज कर सको। तो फिर ये वाला घर हमें बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से पसंद आया था, उसमें से ये भी था कि इसका किचन बहुत बड़ा था और इसको ऐसे ओपन करने का स्कोप था, वो दिख रहा था मुझे लेआउट में ही कि कर सकते हैं। तो जब ये हमने ना घर फाइनल किया, तो बिल्डर ने दिखाया था इसका लेआउट वगैरह सब कुछ ब्रोशर में, तो मैंने इसको बोला कि मुझे तो इसको ओपन करना रहेगा, तो क्या आप अपने आर्किटेक्ट से पूछ करके बताइए कि कोई पिलर तो नहीं है, जो दीवार उन्होंने दिखाया था ना, अगर वो पिलर होगा तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो वो भी सोच रहा था बिल्डर की पहली बार ऐसा कोई कस्टमर आया है कि अभी घर भी बुक नहीं किया है और किचन देके बोल रहा है नहीं, पहले आप अपने आर्किटेक्ट से हमें बात करके बताओ कि किचन में पिलर कहाँ पे आ रहा है, अगर ये तोड़ नहीं सकती हूँ मैं वॉल तो शायद मैं ये घर नहीं लेती, क्योंकि मेरा ये मेन था कि किचन जो है वो ओपन होना चाहिए, बंद बंद नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, हम लोग पता करके रखते हैं, सेकेंड मीटिंग में आपको बताऊंगा। तो उसने आर्किटेक्ट से पूछा, आर्किटेक्ट ने फिर एक प्लान दिया, उस प्लान में पूरा मेंशन था कि पिलर्स कहाँ कहाँ पे घर पे हैं। तो हमारे वाले लेआउट का पिलर्स उसमें दिखाया, फिर हमको समझ में आ गया कि हाँ चलो पिलर नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे वॉल यहाँ पे। हमने पहले ही बोल दिया कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशन तो हम आपसे करवाएंगे, तो ही वॉज रेडी, बहुत बिल्डर नहीं होते। उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो खैर हमने सब कुछ ही मॉडिफाई कर दिया, पर फर्स्ट सेकेंड मीटिंग में आप उतना तो नहीं बोलते हो ना। उसने कहा हाँ हम कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पिलर नहीं था, दीवार हटाया तब जाकर के ये फ्रिज अच्छे से फिट आया, वरना अगर दीवार होता ना तो अगर हम लोग फ्रिज खोलते ना तो जो फ्रिज का वो राइट वाला जो डोर है ना वो टकराता दीवार में, तब ये सेट नहीं हो पाता, तब मुझे क्या करना पड़ता, ये टॉल यूनिट को थोड़ा सा छोटा कर दी, फ्रिज थोड़ा इधर आता, मतलब बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। और शायद ये घर लेते भी नहीं अगर छोटा किचन, मतलब गेट छोटा होता किचन का। आप लोगों से बात करते करते देखिए मैंने सब्जी भी कट कर ली है। बहुत ही सिंपल बनती है ये वाली जो सब्जी है ना, और पेट को बहुत ठंडा करती है। एक्चुअली समर में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है, पर मैं तो कभी भी खा लेती हूँ। तो इसको डाला सरसों तेल, उसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा, जीरा भी पेट को ठंडा करता है, तो इसमें ना जीरा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा तीखा रहे, एकदम भी फीका ना लगे, उसमें ग्रीन चिलीज। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भून जाए बस लौकी इसमें डाल देनी है, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा ही फ्राई करना है लौकी को, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, और बस इसमें डाल देना है पानी, और 5 से 6 सीटी इसको लगा लीजिए, और इसको आप राइस और दाल के साथ खाइए। वैसे लौकी एक ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद नहीं आती है, किन्हीं किन्हीं को बहुत ज्यादा फीका लगता है, और उसमें से अंगद भी एक है, पर अंगद का एक चीज अच्छा है कि उसको लौकी ना चना दाल के साथ में अच्छा लगता है। तो वो जो हम लोग बनाते हैं ना दाल और ये मिक्स करके, तो उसमें बहुत मसाले रहते हैं, उसमें तो लहसुन अदरक बहुत सारे खड़े मसाले इलायची वगैरह सब कुछ पड़ता है, तो वो उसको बहुत पसंद है, इनफैक्ट वन ऑफ द फेवरेट्स है। शादी के बाद ही उसने चखा था, पहले नहीं खाया था कभी। और ये जो सिंपल वाला लौकी है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये अंगद को पसंद नहीं है, पर अगर दाल रहेगा साथ में तो खा ले। इस वाले कुकर के ढक्कन का सीटी गायब हो गया है, और मेरे पास 3 कुकर है, तो लकीली जो सीटी है ना वो किसी पे भी चल जाएगा, यूनिवर्सल रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, पर एक गायब हो गया है, तो भी मैं किसी और का इसमें लगा ले रही हूँ। विंटर में किचन में काम वाम करके आइए, उसके बाद जो हाथ ड्राई होते रहते हैं ना, तो मैं तो मॉइस्चराइजर लगाती रहती हूँ, और मुझे मॉइस्चराइजर लगाने का हाथों पे इतना ज्यादा आदत है कि जहां जहां मैं बैठती हूँ ना वहां वहां आपको एक डब्बा मॉइस्चराइजर का दिखेगा। एक बेडरूम में रहता है बेड साइड में, एक यहाँ पे नीचे बास्केट में रखती हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के टीवी वगैरह देखती हूँ, और इनफैक्ट मैंने अंगद के ऑफिस रूम में भी रखा हुआ है कि अभी कभी उसको चाहिए तो वो भी लगा ले। In the future, they're all within 7 seconds.
इस वाले बालकनी की अच्छी बात है कि यहाँ पे धूप अच्छी आती है दोपहर में, तो सब कुछ सूख जाता है अच्छे से। तो मैंने आज धूप निकला है ना, तो सबको धूप दिखा देती हूँ। विंटर्स में ये बहुत जरूरी है कि धूप दिखाते रहना चाहिए जब जब मौका लगे। ये ना मेरे पास एक नाइटवेयर है, जैसा मैंने पहना हुआ है ना ऐसा ही फ्लोरल में है, बहुत ही अच्छा है समर के लिए भी, लाइट विंटर्स के लिए भी। नीचे ऐसा शॉर्ट्स है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है ना, इन लोगों ने स्लीव्स पे दे दिया है इलास्टिक। अब ये इलास्टिक मुझे इतना टाइट हो रहा है ना कि पहना ही नहीं जाता है। अभी नाइट वेयर तो कंफर्टेबल अच्छा रहता है, अदरवाइज बहुत ढीला ढीला सा खुला खुला सा है, पर इसकी वजह से ना दिक्कत आ रही है। तो मैं वही देख रही हूँ कि क्या मैं इसका इलास्टिक को खोल के पहन सकती हूँ, तो मैं इसको खुलवा दूंगी ताकि ऐसा फ्री हो जाए। ये वाला भी फ्लोरल में ही है ना, आजकल ना मुझे फ्लोरल में अच्छे लगते हैं नाइट वेयर। लेकिन इनका एक चीज सोच के रखा है कि टाइम मिलेगा तो फिर से इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूं। लास्ट मैंने ऑर्गेनाइज जो किया था ना वो दिवाली से पहले किया था, पर फिर भी देखिए ना क्या हालत हो गया है। कपड़े धोती हूँ फिर ला करके ना ऐसे अंदर ठूस देती हूँ, तो उसको ठीक से रखा जाए तो अच्छा रहेगा। हैंगर्स तो मेरे सारे फुल हो गए हैं। थोड़े बहुत लाइट विंटर्स के कपड़े भी बाहर निकालूंगी, जैसे जैकेट्स वगैरह। जैसे ये वाला एक जैकेट है ना, ये मैं विंटर्स में लाइट डालती हूँ, ये कलर भी बड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो ये तो ठीक है, ये बाहर ही रखा था, पर कुछ और हैं स्वेटशर्ट्स वगैरह, वो सब चीजें ना अब बाहर लाने की जरूरत है, और कुछ चीजें फिर अंदर करूंगी। जैसे ये वाला भी विंटर्स में चल जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्वेटशर्ट टाइप का ही मोटा कपड़ा है, तो वो भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और कुछ कपड़े जो एकदम ही समर वाले थे उनको मैं अंदर करूंगी, इस तरीके से मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है। और जो ज्वेलरी वगैरह वो भी सब ऐसे बाहर मैंने ठूस दिया है, वो सब भी रखने की जरूरत है। एक मैंने ना बड़ा अच्छा हैंडबैग लिया था कभी, तो मैंने शायद दिखाया है कि नहीं, ये सामने दिख रहा है। ये वाला मैंने लिया था एक्चुअली सोच के कि ट्रैवल के टाइम पे ना इसमें अपना जो भी ब्लॉगिंग का सामान होता है ना, तो वो सब रखने के लिए बड़ा अच्छा सा मुझे बैग लग रहा था, तो मैंने ये लिया था। कहाँ से लिया था, किसी दुकान से लिया था एक्चुअली, नहीं याद आ रहा है। पर इतना अच्छा मटेरियल का आप देखोगे ना, तो कलर बड़ा सुंदर है, और मेनली लिया था क्योंकि ये इस तरीके का क्रॉस बैग है, तो सिर्फ मैं ही क्यों, अंगद भी इसको पहन सकता है, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो चीजें इसमें रख सकता है, और ये मोटा पट्टी है तो दिखने में भी सुंदर सा लगता है। तो जो बैग्स वगैरह है ना वो मैं यहीं पे रखती हूँ सारे अपने वार्डरोब में, और उसके वजह से ही जगह की कमी हो रही है। मुझे इनको कहीं पे अंदर रखने का मन नहीं करता है, मुझे लगता है मैं जब भी वार्डरोब खोलूं तो मुझे सामने मेरे बैग्स दिखे, ज्वेलरी दिखे, और उस चक्कर में मैस हो जाता है ये, कपड़े रखने की फिर जगह नहीं मिलती है। ये देखिए, ये भी फ्लोरल में ही है, ये भी नाइट वेयर ही है, पोंचो स्टाइल, सॉरी काफ्तान स्टाइल जो पहना है मैंने उसी टाइप का ना। मैंने कहा ना फ्लोरल बहुत चला है आजकल नाइट वेयर में। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे अभी 6:30 और मैं जा रही हूँ जिम करने के लिए। एक घंटे जिम सेशन होगा, फिर आऊंगी, उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। और अंकद आज नहीं आ रहा है, उसकी बैक टू बैक मीटिंग्स है। कह रहा था कि मीटिंग्स अगर जल्दी खत्म हो गई तो ज्वाइन करेगा, पर मैं तो चली। वर्कआउट हो गया डन, और इतना हाफ रही हूँ, पर इतना ज्यादा अच्छे से पसीना निकलता है ना जो बैंगलोर के मौसम में वैसे नहीं निकलता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर बैठूंगी, फिर चेंज वेंज करूंगी, फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल तो रहता है, ये कहीं से भी आई, खाने में क्या बनेगा सोचती हूँ। पहले थोड़ा सांस ले लूँ, कुछ देर के बाद पानी पी लूँ, उसके बाद। 1 hour later. आज आप लोग सुबह से अंगद से एक बार भी नहीं मिले, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली, हम दोनों मैचिंग मैचिंग, हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए एक्चुअली कुछ सामान सुपरमार्केट से, तो इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी। हमारे मोहल्ला में देखिए रोड बनने वाला है फिर से, उसके लिए सारे रोड को इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया है, पर ये एक हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं कभी बनाएंगे, बहुत धूल उड़ती है इसीलिए। पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, तो इस वजह से ना धूल इतना ज्यादा हो गया है इस एरिया में, जब भी गाड़ी जाती है बालकनी से धूल ही धूल सामने से मारा, फिर से तो मेरे भूत लग रही हूँ।
हम लोग गए थे ना सुपरमार्केट, तो थोड़ा आगे वाला चले गए थे, तो उससे कर मैं इतना वॉक हो गया, एक तो मैंने जिम खत्म किया और तुरंत उसके गुजर के बाद में वॉकिंग कर लिया, फिर आते वक्त भी ऐसे ही चक्कर काटते हुए पूरा मोहल्ले का सोसाइटी का, तो मतलब 5000 स्टेप दिखा रहा है अंगद की घड़ी में, क्योंकि अंगद दिन भर तो घर पे ही है, 700 मतलब ऑलमोस्ट 6000, तो तुम तो दिन भर घर में ही हो, हाँ, कुछ तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो बाहर का ही हमारा 500,000 स्टेप्स घर के होंगे, बाकी सब बाहर के। तभी मैं सोच रही हूँ घर आने के बाद में मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, आके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा ये वाला चिवड़ा लिया था वो चिड़वा खाया और अंगद भी बैठा हुआ है वहां पे। अब जा रही हूँ बनाने के लिए डिनर एकदम सिंपल सा, कुछ सोच रही हूँ मटर पनीर और चपाती बना लूं, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, बहुत ज्यादा हो गया आज। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में? बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, तो ये ऑफर बिल्कुल छोड़िएगा मत और वो लाल बटन दबा दीजिएगा अगर आपने नहीं दबाया तो, हाँ, वरना वो ग्रे हो जाता है आजकल, अब नया कलर आ चुका है उसमें। और ये वीडियो को लाइक करिएगा, यस, लाइक शेयर and subscribe, absolutely free 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 free, free, free. Bye bye.